और अगर पारसियों को हटा दिया जाए भारत के संविधान से, भारत के इतिहास से, तो भारत में शायद कुछ बचेगा ही नहीं बबुआ। और हम सबको इतना ही कहना चाहेंगे कि जिंदगी झंड बा, लेकिन पासी होले पे घमंड बा। सब सब मानते भी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जीजा जी बैठे हैं मनोज सरोज जी, मैं अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। अभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पासियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में, बस दो मिनट समय लूंगा साथियों, मंच की तरफ मैं चलूंगा। आदरणीय आदित्यनाथ जी कहते हैं, आवाज अच्छी लगेगी तो तालियां बजाएगा। योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया कि पासियों के बारे में आपकी क्या राय है, वो बड़े वीर बड़े शूरमा थे और हमारे समाज के विकास में उत्थान में उनका बहुत बड़ा हाथ है। योगी आदित्यनाथ जी, आज इस विशाल पासी सम्मेलन में उपस्थित सभी सम्मानित और शिक्षित पासी भाइयों को योगी आदित्यनाथ का नमस्कार स्वीकार है। मैं मंच के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि जिस गौरवशाली इतिहास की आवश्यकता भारत को है, वो सिर्फ और सिर्फ पासी भाई बना सकते हैं और दूसरा कोई नहीं बना सकता। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी लोहा माना है पासियों का। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करता हूँ, एक अध्यापक हूँ साथियों, सिर्फ और सिर्फ हंसिएगा। आज ये शक्ति प्रदर्शन का दिन है। जिस तरह से एनुअल डे होता है किसी जाति समाज का, तो अपना शक्ति प्रदर्शन होता है। तभी तमाम सारे शूरमा आएंगे जिन्होंने तमाम सारे क्षेत्रों में ख्याति हासिल की है, लेकिन कला में हमने क्या किया है, अगर हम लोग उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा उसकी झलकी दे देंगे। अखिलेश यादव जी आवाज मिलेगी तो तालियां बजाएगा मंच के माध्यम से। यहां उपस्थित आप सभी पारसी भाइयों को अखिलेश यादव का नमस्कार स्वीकार हो। ये आदरणीय सभी शूरमा है पारसी के, इनके बिना समाजवादी सरकार की कोई कल्पना नहीं हो सकती है और किसी भी सरकार की कोई कल्पना नहीं हो सकती है। मैं बार बार अभिनंदन स्वागत करता हूं हमारे ऐसे सीओडीओ का, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सारे जिनकी आवाजें कहेंगे उनकी आवाज सुना दी जाएगी साथियों, लेकिन हम मंच की तरफ चलने के कितने अच्छे संचालक है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद।